हाय बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th एक्सरसाइज 20 का जी, बुक फॉलो कर रहे आरएस अग्रवाल। टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वन एक्सरसाइज 20 का ए से लेकर के ई तक हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट मिलेगा आपका क्लास 11th आरएस अग्रवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से। अगर फिर भी कोई वीडियो नहीं मिल रहा है, आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप का ग्रुप किसमें दिए हैं डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिए हैं, ठीक है ना। वहां पर से ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और हमको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। वो जितना भी प्रॉब्लम होगा ना सब हम सॉल्व करेंगे आपके लिए, समझ गए ना। आपका लाइफ बना देंगे हम, समझ गए। चलो पहली बात, पढ़ाई के लिए ईमानदार होना जरूरी है, ठीक है ना। और पढ़ाई करने के लिए, ठीक है ना, खुदगर्ज भी होना जरूरी है। देखो जिंदगी में एक ही जगह जो है ना खुदगर्ज बन जाओ, कहां, जब पढ़ने की बारी आए तब, ठीक है ना। बाकी जगह खुदगर्ज मत बनिए, समझ गए ना। देखिए पढ़ाई आप कीजिएगा ना तो आप ही का लाइफ बनेगा। खुदगर्ज कहने का मतलब ये होगा कि दोस्त तुम्हारा आए चाहे नहीं आए कोचिंग, दोस्त तुम्हारा क्लास करे चाहे नहीं करे, उससे फर्क नहीं है। घूमने जाना है, मेला देखने जाना है, मूवी देखने जाना है, सब कुछ में दोस्त को खोजो, लेकिन जब बात अगर पढ़ाई करने की आए ना, चुपचाप किताब उठाओ और चले आओ, समझ में ना, ठीक है ना। किसी से मतलब नहीं रखना है, किसमें, पढ़ाई के मामले में, समझ में। हाँ, अगर आपका कोई दोस्त है उसमें उसको समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो उसको आप हेल्प कीजिए, समझ गए ना। लेकिन ऐसा नहीं कि मेरा दोस्त नहीं जा रहा है तो हम भी नहीं जाएंगे कोचिंग, इस मामले में आप खुदगर्ज बन जाइए, समझ में आ रहा है। चलो आज के टॉपिक पढ़ेंगे एक्सरसाइज 20 का जी में। इसका पहले थ्योरम है, कह रहा है आपके पास प्रूफ दैट या शो दैट, प्रूफ दैट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज ऑलवेज रिप्रेजेंट, ऑलवेज रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। कहता है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हमेशा क्या करेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन बनाएगा। चलो इसका प्रूफ देखते हैं। पहले गिवन क्या है आपके पास, ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। हम केस वन में चलते हैं, इसका बारी बारी से सब केस में। इसमें अगर हम पुट कर दें वाई बराबर जीरो तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई की जगह जीरो प्लस सी बराबर जीरो, तो ये वाला फाइनली ए एक्स ये तो जीरो हो जाएगा खत्म। तो यहाँ सी, तो ए एक्स बराबर सी को इधर ले जाओगे माइनस सी, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस सी बाई ए। ये किसका, x बराबर कितना माइनस सी बाई ए का इक्वेशन निकलेगा। मतलब ये लाइन कैसा बनाएगा, ये लाइन बनाएगा पैरेलल टू, लाइन क्या होगा पैरेलल टू y एक्सिस के। मतलब ये भी क्या बनाएगा, इसका मतलब ये भी क्या इक्वेशन ऑफ लाइन है, समझ में आ रहा है। अगर केस टू में हमने क्या किया, y का मान रहेगा लेकिन x का मान जीरो हो जाए, तो यहां क्या हो जाएगा जीरो इंटू एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये तो जीरो के खत्म, तो बी वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस सी, वाई इज इक्वल टू माइनस सी बाई बी, ठीक है ना। अब ये कैसा बनाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये लाइन होगा पैरेलल टू किसके एक्स एक्सिस, मतलब ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करेगा, समझ में आ रहा है ना। चलो अब केस नंबर थर्ड देखते हैं। यहां है आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी है, ध्यान से सुनो इसको, बी वाई को यहां रखो, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस एक्स प्लस सी इधर जाएगा माइनस सी, तो वाई बराबर इस बी को नीचे ले आओगे तो माइनस ए एक्स माइनस सी, अब बट्टा में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब इसको सेपरेट करोगे तो माइनस ए एक्स अपॉन बी माइनस सी अपॉन बी, ऐसे लिख सकते हैं, वाई बराबर माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स, बीच में प्लस दो और माइनस सी बाई बी लिख सकते हैं। ये वाला कैसा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वाई बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, है ना। मतलब ये भी क्या करेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन बनाएगा। मतलब ये किस रूप में चेंज हो गया, इसके स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक है ना। चलो एक और देखते हैं, केस फोर, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सॉरी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ क्या होगा ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी,
दोनों तरफ माइनस सी से डिवाइड कर दो, यहाँ हो जाएगा बी वाई अपॉन माइनस सी, यहाँ माइनस सी अपॉन माइनस सी, माइनस माइनस कट गया, ये भी कट गया। इसको हम x बट्टा इस a को नीचे ले आए बुआ, यहाँ हो जाएगा प्लस, इधर कितना y यहाँ रखेंगे, यहाँ माइनस सी अब बट्टा में b अब बराबर कितना इधर वन। अब इस वाले को गौर से ध्यान से देखो ये कैसा दिखता है, कैसा दिखता है नहीं मालूम, x बाई है y बाई बी बराबर वन के जैसा दिखता है, यही क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन कैसा इंटरसेक्ट फॉर्म में। तो इसका मतलब ये होगा कि जो गिवन इक्वेशन है ये हमेशा क्या देगा इक्वेशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करेगा, चाहे इस फॉर्म में हो या पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हो या कौन सा फॉर्म में इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो यहाँ क्या लिखेंगे हेंस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज ऑलवेज रिप्रेजेंट आर ई है रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ लाइन या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यही प्रूव करना था ठीक है ना। और इसी को क्या बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं क्या जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, इसी को बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन भी बोलते हैं इसको ठीक है। समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चों अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 20 का जी में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है रिड्यूस द इक्वेशन 2x माइनस 3y बराबर 5 टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड फ्रॉम इट द स्लोप एंड क्या y इंटरसेप्ट। मतलब क्या है ये जो लाइन दिया हुआ है इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है y बराबर mx प्लस c, इसी के फॉर्म में चेंज करना है ठीक है ना। तो आ जाओ यहां पहले लिखो सॉल्यूशन, यहां क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, यहां पर क्या दिया हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 5। तो क्या करना आप y को इस साइड रखो बाकी सब टर्म को उस साइड ले जाएंगे, तो माइनस 3y 2x इधर है इस साइड जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा अब प्लस 5। पहले से देखो इस माइनस को हटाने के लिए क्या करो इधर से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, ये वाला माइनस कट गया तो 3y इज इक्वल टू क्या रहा 2x माइनस 5। अब y का वैल्यू निकालेंगे तो 2x माइनस 5 अपॉन ये 3 नीचे में आ जाएगा y बराबर, देखो अब सेपरेट कर लो दिस वन अपॉन दिस वन माइनस दिस वन अपॉन दिस वन, तो 2x अपॉन 3 माइनस 5 अपॉन 3 ऐसे लिख सकते हैं एकदम लिख सकते हैं। अब y बराबर 2 अपॉन 3 इंटू x, इसको ऐसे अलग कर दिए इसको x को बाद में, यहाँ बीच में प्लस का साइन दो और इसको आप ऐसे लिख दो। बोला ऐसा क्यों किया, क्योंकि क्या होता है स्लोप इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है y बराबर mx और बीच में प्लस c, ये दोनों इसके फॉर्म में रहे तो ये हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा ठीक है ना। अब यहाँ पर से क्या कह रहा है साथ में स्लोप निकालना है, तो स्लोप कौन सा x का जो कोफिशियंट होगा यही हो जाएगा स्लोप, तो m बराबर कितना हो जाएगा 2 अपॉन 3 ठीक है ना, एक आंसर ही हो जाएगा। साथ में पूछता है y इंटरसेप्ट तो c का वैल्यू, तो c के जगह पर क्या है माइनस 5 बाई 3 तो c का वैल्यू माइनस 5 बाई 3 यही आंसर हो जाएगा। तो कितना ईजी है ना इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर सेम है क्वेश्चन में, सिर्फ क्या है यहाँ पर इक्वेशन चेंज है, लेकिन इसमें को भी कहता है क्या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कीजिए और साथ में स्लोप और सी का मान निकालिए। तो हम क्या करेंगे y वाले टर्म को इधर रखेंगे बाकी टर्म को दूसरी तरफ, इधर जाएगा तो माइनस 5x यहाँ जाए इधर आएगा माइनस 35 तो प्लस 35 हो जाएगा, तो y बराबर फाइनली कितना 7 को इसके नीचे में आ जाएगा ये 7 ठीक है। तो इधर कितना हो जाएगा y बराबर सेपरेट करो माइनस 5x अपॉन 7 और प्लस इधर से इतना ये कट जाएगा 5 टर्म में, इसको क्या लिखेंगे माइनस 5 अपॉन 7 इंटू एक्स और प्लस इधर से कितना 5। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो y बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया, यही हो जाएगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आंसर।
जो एम एम का मतलब क्या स्लोप निकालना है, तो स्लोप क्या बोले थे, एक्स का जो कोफिशियंट होगा तो स्लोप इसका क्या हो जाएगा माइनस फाइव अपॉन सेवन। साथ में क्या कहता है वाई इंटरसेप्ट, तो मतलब सी का मान कौन सा, ये फाइव सी का मान हो जाएगा। समझ में आ रहा है कितना इजी है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड में सेम चीज निकालना है, सिर्फ इक्वेशन चेंज है। तो यहां देखो थर्ड नंबर गिवन इक्वेशन है आपके पास y प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, क्या है y प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो चलो इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है, तो y बराबर हम कितना इसको इधर ले आइए तो माइनस फाइव, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होता है y बराबर mx, तो हम इसको जीरो इंटू एक्स लिख सकते हैं, यहां पर से माइनस फाइव, जीरो इंटू एक्स कितना जीरो, जीरो माइनस फाइव कितना जीरो हो जाएगा। तो y बराबर इधर से m सॉरी जीरो एक्स प्लस माइनस फाइव को ब्रैकेट में कर दो। देखो अब ये हो गया ना y बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो फाइनल एक आंसर ये हो जाएगा इसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। m मतलब क्या स्लोप, स्लोप इसका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस फाइव हो जाएगा y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड कंप्लीट हो गया, समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि हम सर हमको समझ में आ रहा है अच्छे से कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चलो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों फोर नंबर क्वेश्चन है, रिड्यूस द इक्वेशन दिस वन टू इंटरसेप्ट फॉर, मतलब किसमें चेंज करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। Hence, find the length of the portion of the line intercepted between the axis. मतलब जो x axis और y axis को कितना intercept करेगा उसकी बीच का distance भी निकालना है। तो intercepted form क्या होता है, तो ये पहले आपको याद होना चाहिए, x by a, y by b equals to one. मतलब इस रूप में आपको चेंज करना है इस इक्वेशन को। देखो यहां लिखेंगे सोल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे सोल्यूशन, आपके पास क्या दिया हुआ है 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू जीरो। तो 3x माइनस 4y सही है, 12 को इधर ले जाओगे तो माइनस 12, ठीक है ना। अब यहां देखो इस इक्वेशन में इस साइड क्या कहता है कि 1 होगा, इस साइड क्या कहेगा 1, तो 1 कैसे आएगा इसी, इधर 1 लाना है तो जाहिर सी बात है सर माइनस 12 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो दोनों तरफ डिवाइड कीजिए। तो यहां लिखेंगे डिवाइडिंग by माइनस 12 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ माइनस 12 से डिवाइड देने पर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x माइनस 4y अपॉन माइनस 12 और माइनस 12 अपॉन माइनस 12, ये कट गया इधर से ये कट गया 3x माइनस 4y अपॉन माइनस 12 इधर 1, ठीक है ना। सेपरेट करो इसको तो 3x अपॉन माइनस 12 बीच में माइनस 4y और अपॉन कितना माइनस 12 ब्रैकेट में ले लो, 3 से कट जाएगा 4 टाइम में, 4 से कट जाएगा 3 टाइम में, तो ये कितना हो जाएगा x अपॉन माइनस 4, यहाँ पर माइनस माइनस मिलके प्लस, y अपॉन कितना हो जाएगा बोलो 3 इक्वल टू 1 बराबर में 1 ना, यही हो गया आपका कौन सा इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक है ना। तो x एक्सिस को कितना पर माइनस फोर पर, y को कितना पर 3 पे कट करता है, तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस भी निकालना है। तब यहां देखो मतलब यहां पर अगर मान लो यहां पर से है x, इधर कौन सा x एक्सिस, ये कौन सा y एक्सिस, इधर हो जाएगा x डैश और ये हो जाएगा y डैश। तो x एक्सिस को माइनस फोर पर और यहां पर काटा माइनस फोर पर, तो ये रहा a और इसको रहा b, तो माइनस फोर कॉमा जीरो और ये कितना 0,3 ऐसी काट रहा है ना, वाई एक्सिस को हमने माना 3 पे काटा और एक्स एक्सिस कितना माइनस 4 पर काटा है, तो ए बी का दूरी भी निकालना है। तब यहां पर से लिखिए डिस्टेंस ए बी, ए डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर और वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर होता है ना। चलो ये रहा एक्स वन वाई वन, ये रहा एक्स टू वाई टू, तो माइनस फोर और माइनस जीरो, तो माइनस फोर और माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस जीरो और माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस फोर माइनस जीरो, तो माइनस फोर, जीरो माइनस थ्री तो माइनस थ्री का होल स्क्वायर, तो माइनस फोर का होल स्क्वायर कितना 16, माइनस थ्री का होल स्क्वायर 9, ये कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 5 यूनिट, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फाइव नंबर, फाइव नंबर में सेम क्वेश्चन है,
ठीक है ना, इसको भी स्लोप सॉरी इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है और यही डिस्टेंस ए बी निकालना है। आ जाओ देखते हैं, क्वेश्चन है आपके पास 5 नंबर गिवेन 5x माइनस 12 वाई इसको 60 दिया हुआ है इसमें, ठीक है ना। तो अब बोलो दोनों तरफ हम यहां पर किस चीज से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे 60 से, क्योंकि हमें क्या लाना है, 1 लाना है। यहां पर आप लिखिए डिवाइडिंग बाय 60 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहां कितना हो जाएगा 5x माइनस 12y अपॉन 60 इज इक्वल टू 60 बाय 60, ये कैंसिल आउट। तो यहां कितना इसको सेपरेट करोगे तो 12y अपॉन कितना 60 इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल आउट कितना टाइम में, 12 टाइम में, ये कितना 5 टाइम में। ये x बाई 12 माइनस y अपॉन कितना 5 इज इक्वल टू 1, यहाँ x बाई 12 अपने जगह सही है। लेकिन क्वेश्चन में देखोगे इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, बीच में प्लस होता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे प्लस लिखेंगे और इस माइनस को हम यहाँ पर माइनस 5 के साथ रखेंगे, यही फाइनल आंसर हो जाएगा इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक है ना। लेकिन साथ में डिस्टेंस भी निकालना है, तो आ जाओ यहाँ पर से कौन सा, इधर x इधर y, इधर कौन सा x डैश इधर कौन सा y डैश, यहाँ रहा ओरिजिन। तो x एक्सिस को 12 में कट करता है, तो 12 मतलब कौन सा, मान लो यहाँ पर से 12, y एक्सिस को माइनस 5 पे, तो यहाँ मान लो माइनस 5, इस दोनों ऐसे इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ माना हमने कौन सा पॉइंट ए, तो पॉइंट ए 12, 0, यहाँ माना हमने कौन सा पॉइंट बी, तो 0, कितना माइनस 5। अब डिस्टेंस निकाल लो, यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ए बी, फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिखे हैं फॉर्मूला कहाँ गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये रहा x1 y1 x2 y2, 12 माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर 0 और माइनस 5, तो 0 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, देखो तो 12 माइनस 0 तो 12, ये कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 और प्लस कितना 25, ये कितना हो जाएगा 169, 169 को रूट हटाओगे तो ये हो जाएगा कितना 13 यूनिट्स, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, देखो कितना इजी था, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फिर आप आगे चलते हैं। बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, इंक्लिनेशन मतलब स्लोप निकालना है। अब यहाँ पर लाइन दिया हुआ है तो इसका स्लोप कैसे निकालोगे, आ जाओ। इंक्लिनेशन मतलब क्या होता है, बेसिकली एंगल, क्या होता है एंगल, एंगल कैसे निकलता है स्लोप के थ्रू। देखो यहां लिखो सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे हम सॉल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट नंबर है एक्स प्लस रूट अंडर 3y प्लस 6 बराबर 0, आप क्या करो रूट 3y को यहाँ रखो, बाकी सब को दूसरी तरफ, x को इधर ले जाओगे तो माइनस x, 6 इधर आ जाएगा माइनस 6, तो y बराबर कितना निकलेगा माइनस x माइनस 6 और अपॉन कितना रूट 3, तो y बराबर हम सेपरेट कर दिए इसको माइनस 6 बाई रूट 3, तो y बराबर कितना माइनस 1 बाई रूट 3 हम ऐसे लिख देंगे इंटू x, बीच में प्लस माइनस 6 बाई रूट 3, याद करो कौन सा फॉर्म y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो ये पूरा क्या होता है यही तो स्लोप होता है, ये क्या होता है स्लोप, तो इसका स्लोप कितना निकला माइनस 1 अपॉन रूट 3, और स्लोप को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं m से, जब एंगल निकालना होता तो tan थीटा, तो माइनस 1 अपॉन रूट 3, तो ये tan थीटा अपने जगह सही है, माइनस भी ठीक है, tan किसका वैल्यू रूट 3 होता है तो tan 30 डिग्री का, अब माइनस tan थीटा आ गया तो माइनस tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है tan 180 डिग्री और माइनस थीटा, लिख सकते हैं ना। तब यहाँ पर से tan थीटा इज इक्वल टू tan 180 में से 30 गया तो क्या बचेगा ये tan 150 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना निकला 150 डिग्री, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत अगर हुआ होगा तो देखो tan 180 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज किया है, माइनस tan थीटा होता है, ठीक है ना। चलो इसका आंसर मिला लो फर्स्ट नंबर का, 6 का फर्स्ट, ठीक है 150। थर्ड नंबर सेकेंड नंबर में है, आ जाओ सेकेंड नंबर, इसको भी ऐसे ही बनाएंगे 3x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0,
थ्री वाई को यहाँ रखो, बाकी सब उधर ले जाओगे तो माइनस थ्री एक्स, एट इधर आएगा माइनस एट, तो वाई बराबर फाइनली कितना होगा माइनस थ्री एक्स माइनस एट और अपॉन कितना इधर से थ्री, तो वाई बराबर फाइनली माइनस थ्री एक्स और अपॉन थ्री, सेपरेट कर दो एट और अपॉन थ्री ये कट गया, तो y बराबर फाइनली कितना बचा माइनस एक्स, यहाँ बीच में प्लस दे दो, यहाँ माइनस एट अपॉन थ्री, प्लस क्यों दिए कि y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है, तो यहाँ माइनस वन इन टू एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तब लिख सकते हैं और माइनस एट अपॉन थ्री, तो इसका स्लोप कितना माइनस वन, एक्स का जो कोफिशियंट होता है वही तो स्लोप होता है, तो स्लोप कितना हो गया इसका माइनस वन, तो अब स्लोप की जगह पर क्या लिखेंगे टेन थीटा इक्वल्स टू माइनस वन, तो tan किसका वैल्यू माइनस वन होता है tan 135 का, तो यहाँ आप 135 लिख दो, तो थीटा इज कस टू फाइनली कितना निकला 135 डिग्री, ठीक है ना, अगर नहीं तो इसको tan 45 पर भी बना सकते हैं माइनस माइनस tan थीटा का ये वाला फॉर्मूला पर, ठीक है ना। चलो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर है रूट अंडर थ्री एक्स माइनस वाई माइनस फोर बराबर जीरो, इस सबको उधर ले जाओ लेकिन वाई को छोड़ करके, इधर माइनस वाई बचेगा इसको इधर ले जाओगे तो माइनस रूट अंडर थ्री एक्स और प्लस फोर वाई, ये वाला माइनस को हटाने के लिए दोनों तरफ यहाँ पर क्या करो माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, तो वाई बराबर रूट थ्री एक्स और माइनस फोर, ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा एक्स का कोफिशियंट यही है, ये क्या हो जाएगा यही तो स्लोप हो जाएगा, तो स्लोप कितना हो जाएगा यहाँ रूट थ्री, स्लोप हो गया रूट थ्री, अब बोलो रूट थ्री हो गया ना स्लोप, ठीक है, तो अब यहां पर से कितना होगा स्लोप को हम लोग क्या लिखते हैं टेन थीटा, और टेन किसका वैल्यू रूट थ्री होता है बोलो ना टेन 60 डिग्री का, तो हम थीटा इज प्लस टू यहां से क्या लिखेंगे सीधे 60 डिग्री, यही आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों सेवन नंबर क्वेश्चन है, रिड्यूस द इक्वेशन एक्स प्लस वाई माइनस रूट टू बराबर जीरो टू द नॉर्मल फॉर्म एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा बराबर पी एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एन अल्फा, मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना था, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है यही तो होता है नॉर्मल फॉर्म, ठीक है ना, तो आ जाओ गिवेन क्या है आपके पास एक्स प्लस वाई माइनस रूट टू इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना, अब इसको क्या करो आप एक्स प्लस वाई इजक्वल्स टू रूट टू को इधर ले आओगे प्लस रूट टू, एक्स का कोफिशियंट कुछ नहीं है तो वन, वाई का कोफिशियंट कुछ नहीं है तो वन, तो आप यहाँ ए बराबर एक्स का कोफिशियंट और बी बराबर वाई का कोफिशियंट, अब क्या कर लो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर निकालो, देखो रेडियो नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए ये पैटर्न ये तरीका है रूल है, तो वन का स्क्वायर और फिर वन का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा वन प्लस वन, ये कितना हो जाएगा रूट टू, ये रहा इक्वेशन फर्स्ट, अब ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू निकलेगा ना उससे डिवाइड दो इक्वेशन वन में, यहां लिखेंगे डिवाइडिंग बाय रूट टू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन रूट टू इक्वल्स टू रूट टू और अपॉन रूट टू, ये कट गया सेपरेट करो तो एक्स बाई रूट टू प्लस वाई अपॉन रूट टू इक्वल्स टू वन, तो यहां एक्स इनटू क्या लिख सकते हैं इसको वन बाई रूट टू ऐसे लिख सकते हैं प्लस वाई को लिख लो इसको रूट टू को वन बाई रूट टू इसको अलग लिख सकते हैं यहाँ से ब्रैकेट, ठीक है ना, बराबर में वन, तो देखो एक्स एक्स इसको इससे कंपेयर करो एक्स सही है वन बाई रूट टू किसकी जगह कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा बराबर कितना वन बाई रूट टू, और ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा, तो साइन अल्फा बराबर कितना वन बाई रूट टू, तो देखो इसका वैल्यू रूट टू होता है कॉस सॉरी वन बाई रूट टू कॉस 45 का, तो अल्फा का वैल्यू कितना निकला 45 डिग्री, और यहाँ भी उतना ही निकलेगा दोनों में सेम ही निकला, अगर मान लो किसी केस में अगर दोनों में सेम नहीं निकलता तो आप इसको क्या करते टेन अल्फा निकाल लेना, समझे तो टेन अल्फा कैसे साइन बट्टा कॉस करके निकालोगे तब एंगल निकलेगा, समझे ना, क्योंकि यहाँ पर दोनों में ये भी 45 है ये भी 45 मिल रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर अल्फा का वैल्यू सिर्फ 45 ले लेंगे, ठीक है, और इस साइड जो वैल्यू होगा वो वैल्यू किसका हो जाएगा पी का हो जाएगा, तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा वन, ये वैल्यू किसका होता है पी का होता है, ठीक है ना, तो अब यहां पर से देखो तो अल्फा निकल गया और पी निकल गया, तो पी और अल्फा निकल गया, इक्वेशन ऑफ लाइन
इन किस में? नॉर्मल फॉर्म में। कैसा फॉर्म में? नॉर्मल फॉर्म। कितना हो जाएगा बोलो? क्या होता है x cos अल्फा, तो अल्फा की जगह पर कितना 45 डिग्री, प्लस y sin अल्फा, तो अल्फा कितना 45 डिग्री, और बराबर है p, तो p का वैल्यू 1 निकला, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के आधार पर, 7 के बाद 8 नंबर, सेम चीज है, सेम क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन चेंज है। गिवन कितना है आपके पास, एक्स प्लस रूट अंडर 3 वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यही है ना? तो फिर आ जाओ यहां पर से इसको क्या करोगे, देखो x अपने जगह सही है, रूट 3 वाई, ये 4 को इधर ले जाओगे तो प्लस 4, ठीक है ना? जो x का कोफिशियंट है वो क्या हो जाएगा 1, y का कोफिशियंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा b। अब क्या करेंगे बोलो बोलो, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 4, ये 2, ये रहा एक क्वेश्चन फर्स्ट। अब क्या करेंगे 2 से डिवाइड दो, यहाँ पर क्या लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ कितना हो जाएगा बोलो, x प्लस रूट 3 वाई अपॉन 2 और यहाँ 4 बाई 2 कट गया, इसको सेपरेटली लिख लो, तो x बाई 2 प्लस रूट 3 वाई बाई 2 बराबर, इधर सॉरी यहाँ तो 2 टाइम में कटेगा ना, तो यहाँ 2 हो गया। इसको कैसे लिख सकते हैं, x बाई 2 है तो x इंटू कितना 1 बाई 2, यहाँ पर देखो y को पहले लिख लो इंटू कितना रूट 3 बाई 2 और बराबर में 2, ठीक है ना? अब यहाँ पर से ये किसका वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा cos अल्फा और ये क्या हो जाएगा वो sin अल्फा और ये क्या हो जाएगा हमारा p, ठीक है ना? तो p, तो पहले एक मिनट, p का वैल्यू निकला आपके पास 2 और cos अल्फा निकला 1 बाई 2 और sin अल्फा कितना निकला रूट 3 बाई 2। अब क्या निकालना है तुमको, एंगल मतलब अल्फा, तो बोलो आप अल्फा कैसे निकलेगा, अरे बोलो सिंपल है, इसमें कैसे निकाले हम? सर देखो दोनों में सेम आएगा, दिक्कत हो रहा है निकालने में नहीं, देखो cos 60 का वैल्यू भी 1 बाई 2 और sin 16 कितना रूट 3 बाई 2, तो यहां पर से ये क्या निकला cos 60 डिग्री और ये कितना होता है sin 60 डिग्री, क्योंकि दोनों का एंगल जब देंगे दोनों में तो सेम आता है, इसका एंगल सेम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं, इसका यहाँ पर 60 आ रहा है यहाँ पर 30 आ रहा है, गड़बड़ है, अगर ऐसा होगा ना तो आपको क्या करना tan बना लेना, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर से अल्फा का वैल्यू कितना निकला इधर से 60 डिग्री, देखो अल्फा पता है अभी पहले से पता कर दिए यहाँ पर से, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन किस में, नॉर्मल फॉर्म में, क्या होगा x cos अल्फा तो cos 60 डिग्री, y sin अल्फा तो y 60 डिग्री, अब बराबर p, तो p का वैल्यू कितना 2, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन है, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन टू द नॉर्मल फॉर्म, मतलब 9 नंबर का क्वेश्चन जितना भी है सबको किस में चेंज करना है, नॉर्मल फॉर्म में। फर्स्ट नंबर x प्लस वाई बराबर y, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 लिख सकते हैं। अब a का कोफिशियंट कितना हो गया 1, अब b सॉरी y का कोफिशियंट क्या हो जाएगा b का वैल्यू, अब क्या निकालना है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, फिर b का स्क्वायर करोगे तो b का स्क्वायर 1 है, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो ये कितना हो जाएगा रूट 2, ये रहा इक्वेशन फर्स्ट। अब रूट 2 से डिवाइड दो, तो क्या करते हैं डिवाइडिंग बाय रूट 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इधर क्या हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन रूट 2 लिख सकते हैं और यहाँ कितना है 2 है, तो आप इसको 2 और अपॉन रूट 2, चलो इसको सेपरेटली करो, तो x बाई कितना इधर से रूट 2 प्लस y अपॉन कितना इधर से रूट 2 और बराबर 2 बाई रूट 2, अब चाहो तो इसका रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हो x, ठीक है? ये 1 बाई रूट 2 को हम ऐसे हम x इंटू 1 बाई रूट 2 लिख सकते हैं, y ठीक है इसको 1 बाई रूट 2 ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करो यहाँ से तो 2 रूट 2, रूट 2 को रूट 2 से करोगे तो 2 कट गया, देखो तो इधर फाइनली क्या मिला x इंटू 1 बाई रूट 2 और प्लस कितना y इंटू
वन बाय रूट टू, और बराबर में इधर से कितना रूट टू, ठीक है। ये क्या हो गया कॉस अल्फा, ये क्या हो गया साइन अल्फा, ये क्या हो गया पी, तो साइन अल्फा बराबर कितना वन बाय रूट टू, और कॉस अल्फा बराबर कितना वन बाय रूट टू, और पी का मान कितना बराबर के इस साइड जितना हो जाएगा पी रूट टू। देखो कितना वैल्यू होगा यहाँ पर अल्फा का, तो भाई साइन अल्फा अपने जगह ठीक है, तो यहाँ साइन कितना हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि कॉस 45 और साइन 45 दोनों सेम होता है, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ 45 डिग्री, और पी का वैल्यू कितना हो जाएगा यही हो जाएगा रूट टू। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, तो यहाँ पर सीधे लिखो, यहाँ पर चूंकि नॉर्मल फॉर्म में निकालना ही है, तो सीधे लिखो यहाँ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, एक्स कॉस अल्फा तो अल्फा का जगह 45 डिग्री, वाई साइन अल्फा तो यहाँ 45 डिग्री, बराबर में पी तो पी का वैल्यू कितना है रूट टू, यही फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो यहाँ पर, सेकेंड नंबर है एक्स प्लस वाई प्लस रूट टू, एक्स प्लस वाई प्लस रूट टू बराबर जीरो, ठीक है। अब यहाँ देखो एक्स प्लस वाई ठीक है, इसको उधर ले जाओगे तो माइनस रूट टू हो जाएगा। देखो इस साइड माइनस कभी भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पी क्या था आपके पास नॉर्मल फॉर्म में, डिस्टेंस था कहाँ से, ओरिजिन से लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, इसका मतलब पी माइनस को खत्म करने के लिए दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये फाइनली कितना हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई, इधर हो जाएगा रूट टू। अब बोलो ए का वैल्यू कितना था, एक्स का कोफिशिएंट माइनस वन तो माइनस वन, बी कितना ये भी माइनस वन, अब निकालोगे क्या ए स्क्वायर और प्लस कितना बी स्क्वायर, तो कितना होगा बोलो बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना माइनस वन का स्क्वायर करोगे वन, ये भी वन, तो ये कितना हो जाएगा रूट टू। अब ये रहा इक्वेशन फर्स्ट, क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बाय रूट टू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन रूट टू, और यहाँ लिखेंगे रूट टू, नीचे में रूट टू कर दो, इसको सेपरेट कर लो तो माइनस एक्स बाई रूट टू और माइनस वाई अपॉन रूट टू बराबर वन। इसको देखो एक्स अपॉन इसको क्या लिखेंगे एक्स इंटू माइनस वन बाई रूट टू, ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं एक्स को पहले माइनस वन बाई रूट टू को बाद में, बीच में प्लस का साइन दो, वाई लिखो यहाँ पर, इसको माइनस वन बाई रूट टू को अलग, इधर वन हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया कॉस अल्फा, एक्स का जो कोफिशियंट होगा वो कॉस अल्फा, तो माइनस वन बाई रूट टू, और ये क्या हो गया साइन अल्फा, तो साइन अल्फा ये कितना हो जाएगा माइनस ये भी वन बाई रूट टू, ठीक है ना। अब यहाँ पर से देखो एक चीज याद बताते हैं, अभी तक जो भी क्वेश्चन किए हैं हम, तो आपके पास हर जगह क्या मिला होगा साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव ही मिला होगा यहाँ पर भी, ठीक है ना। इससे पहले सॉरी एक नंबर क्वेश्चन कर रहे थे उसमें भी क्या मिला था साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव मिलेगा, अब यहाँ पर जब पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा या दोनों नेगेटिव मिल जाएगा, थोड़ा सा आपको काम बढ़ जाएगा, क्वाड्रेंट का यूज करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेंट क्या कहता है, प्लस प्लस ये क्या माइनस प्लस, ये क्या माइनस माइनस, ये क्या प्लस माइनस, ठीक है ना। यहाँ पर क्या देख रहे हो ये दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस किस में होता है थर्ड क्वाड में, तो इस तरह के में क्या करेंगे हम टैन अल्फा निकालेंगे, तो टेन अल्फा क्या होता है साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, तो साइन अल्फा माइनस वन बाई रूट टू, ये भी माइनस वन बाई रूट टू कट गया, इधर क्या बचा वन, तो टेन अल्फा इज कॉस टू कितना वन, टेन किसका वैल्यू वन होता है टेन 45 का, तो अल्फा बराबर 45 दोगे तो अल्फा बराबर 45 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, देखो यहाँ पर अल्फा 45 सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, तो अब क्या करना पड़ेगा, इसीलिए हम यहाँ बोले हैं ये यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ये प्लस माइनस का काम करेगा, ये दोनों माइनस है तो किस में जाएगा थर्ड क्वाड में, तो हम टेन अल्फा बराबर कितना इधर से टेन 45 डिग्री, तो इसको थर्ड क्वाड में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको टेन 180 डिग्री अब प्लस थीटा लेना पड़ेगा, देखो ना 180 प्लस टेन थीटा होता, तो इसको ये लिखे हम, तो अब यहाँ से टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन कितना हो जाएगा 5 8 4 12 225 डिग्री, तो अल्फा कितना हो जाएगा 225 डिग्री। अब कॉस 225 डिग्री का वैल्यू माइनस वन बाई रूट टू, साइन कितना 225 डिग्री का वैल्यू माइनस वन बाई रूट टू, दोनों में ये सेम आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस साइन क्या है
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है ना। चलो अब यहां से क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन, किसमें नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, एक्स कॉस अल्फा, तो कॉस लिखो अल्फा की जगह पर 225 डिग्री प्लस वाई साइन अल्फा, तो 225 डिग्री बराबर पी, तो बराबर पी मतलब कौन सा, ये वैल्यू किसका होता है, पी का, तो पी तो वन है, यही तो आपके पास आंसर हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों थर्ड नंबर है x प्लस फाइव बराबर जीरो, तो इसको देखो क्या करेंगे, x बराबर क्या माइनस फाइव लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर से इसको माइनस एक्स को इधर ले आओ, क्योंकि इधर क्या हो जाएगा, इधर कभी भी नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है डिस्टेंस। तो अब इसको माइनस एक्स प्लस जीरो वाई बराबर फाइव लिख सकते हैं, इसे एकदम लिख सकते हैं। तो ए क्या हो जाएगा x का कोफिशियंट और b क्या हो जाएगा y का कोफिशियंट। अब क्या निकालोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होगा माइनस वन का स्क्वायर वन, जीरो का स्क्वायर जीरो, तो ये भी कितना होगा रूट वन मतलब वन। ये रहा इक्वेशन फर्स्ट। तब क्या करोगे, क्या है प्रोसीजर, डिवाइड देते हैं, तो डिवाइडिंग बाय कितना वन इन इक्वेशन फर्स्ट। तो दो यहां वन से डिवाइड होगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस एक्स प्लस कितना जीरो वाई या बराबर कितना फाइव। तो एक्स का जो कोफिशियंट होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू माइनस वन प्लस वाई इंटू जीरो प्लस फाइव लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा कितना हो जाएगा माइनस वन, और इधर से साइन अल्फा कितना हो जाएगा जीरो, और पी का वैल्यू कितना हो जाएगा फाइव, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर से ये क्या आ गया आपके पास, देखो किसमें जीरो जीरो किसमें होता है, साइन 180 जीरो होता है और कॉस 180 ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये भी तो जीरो होता है ना, सॉरी कॉस 180 माइनस वन होता है। तो टैन निकालना है मान, तो आप यहाँ पर से टैन थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पर से क्या लिखेंगे, देखो सीधे टैन अल्फा निकाल लेना, ठीक है ना। दोनों में आपके पास क्या करना पड़ेगा, दोनों को मिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ये रहेगा कॉस अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा जीरो बट्टा माइनस वन, ये हो जाएगा जीरो। तो ये आपके पास टेन, इधर से कितना आ जाएगा जीरो, टेन किसका वैल्यू जीरो होता है, टेन जीरो जीरो होता है, लेकिन माइनस और प्लस, ठीक है ना, तो माइनस और प्लस बोलो बोलो, साइन कॉस माइनस किस में जाएगा, सेकेंड क्वार्ट में, और सेकेंड क्वार्ट में कॉस क्या होता है, सेकेंड क्वार्ट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, होता है ना, तो कॉस नेगेटिव किस में, सेकेंड क्वार्ट में, थर्ड में भी होता है, लेकिन यहाँ तो ये तो साइन जीरो है, तो हम सेकेंड में लेंगे। तो यहाँ पर से आप इसको क्या लिख सकते हो, टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन कितना 180 डिग्री माइनस जीरो, प्लस में भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा फर्क, क्योंकि टेन 180 प्लस जीरो लो या माइनस जीरो सेम हो जाएगा। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू कितना टेन 180 डिग्री, तो इसीलिए अल्फा का वैल्यू कितना निकला यहाँ 180 डिग्री निकला, समझ में आ गया। तो अल्फा इतना और पी का वैल्यू ये आया, तो आप यहाँ पर लिखिए इक्वेशन ऑफ लाइन, यहाँ क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है फॉर्मूला, एक्स कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा कितना 180 डिग्री, वाई साइन अल्फा था ये 180 डिग्री, या बराबर में पी, तो पी का वैल्यू कितना है इधर से फाइव है, यही फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपके पास, एक बार आंसर मिला लो थर्ड का, ठीक है। चलो इसके बाद है आपके पास फोर नंबर, टू वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, क्या करेंगे इसमें बोलो बोलो, अरे बोलो, देखो क्वेश्चन है फोर नंबर में, तो यहां पर से क्या करेंगे हम, जीरो एक्स प्लस टू वाई, इस थ्री को इधर ले आओ माइनस थ्री, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो, अब बी का वैल्यू कितना हो जाएगा वाई का कोफिशियंट सी, अब पी का वैल्यू कितना हो जाएगा थ्री, ठीक है ना। अब यहां से निकालोगे आप ए स्क्वायर अब प्लस कितना बी स्क्वायर, तो जीरो का स्क्वायर करोगे तो जीरो, और टू का स्क्वायर करोगे फोर, तो ये रहा फोर, ये रहा फाइनली टू, ये रहा इक्वेशन फर्स्ट। अब टू से डिवाइड करो इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाय टू इन इक्वेशन फर्स्ट, ये कितना हो जाएगा जीरो प्लस एक्स टू वाई अपॉन टू बराबर थ्री बाई टू, ठीक है ना। सबको सेपरेट कर लो, जीरो बाई एक्स, सॉरी जीरो एक्स बाई टू प्लस टू बाई टू, यहाँ हो जाएगा थ्री बाई टू, कट गया,
ये कितना, जीरो बट्टा समथिंग कितना आ जाएगा, जीरो इन टू एक्स प्लस इधर से कितना आ जाएगा वाई बराबर इधर थ्री बाई टू। तो एक्स का जो कोफिशियंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉस जीरो, वाई का कोफिशियंट कुछ नहीं है तो वन, तो ये कितना हो जाएगा साइन अल्फा। अब पी का वैल्यू कितना बराबर के सर जितना भी होगा वो पी का वैल्यू होगा, देखो कॉस जीरो और साइन बराबर वन, तो कॉस 90 डिग्री कितना होता है जीरो और साइन 90 कितना होता है वन, तो 90 सब में दोनों में क्या कर रहा है एक ही एंगल, दोनों में क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर से थीटा नहीं अल्फा है ना, तो अल्फा इक्वल्स टू डायरेक्ट कितना लिखेंगे यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है ना। आप यहाँ पर डायरेक्ट, हाँ नहीं ठीक है, अब चलो ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे इस वालों को एक बार और समझा देते हैं कि साइन जीरो जीरो होता है लेकिन साइन जीरो इधर के कॉस जीरो कितना होता है वन, इसीलिए आपको 180 लेना पड़ेगा क्योंकि 180 भी जीरो और 180 कितना कॉस का माइनस वन, मतलब अल्फा का ऐसा वैल्यू लो जो दोनों को सेटिस्फाई करे, समझ में आ रहा है ना। तो चलो यहाँ से ये निकल गया, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा एक्स कॉस अल्फा, तो अल्फा कितना 90 डिग्री, वाई साइन अल्फा, तो साइन कितना 90 डिग्री, अब बराबर में पी, तो पी का वैल्यू कितना इधर से थ्री बाई टू, यही हो जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके पास, फोर के बाद कितना है आपके पास फाइव नंबर, ठीक है ना, आ जाओ फाइव नंबर है आपके पास यहाँ से, फोर एक्स प्लस थ्री वाई माइनस नाइन इक्वल्स टू जीरो, राइट। चलो तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट काम क्या करते हैं विदाउट एक्स वाई वाले को दूसरे तरफ ले जाओ, ठीक है ना। ए का कोफिशियंट कितना फोर, बी का कोफिशियंट सॉरी बी का वैल्यू कितना वाई का कोफिशियंट थ्री, या पी का वैल्यू कितना नाइन, ठीक है ना। ये रहा इक्वेशन फर्स्ट, अब यहाँ पर क्या निकालेंगे ए स्क्वायर अब प्लस कितना बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए का चार का स्क्वायर करोगे सोलह, यहाँ पर थ्री का स्क्वायर करोगे नाइन, ये हो जाएगा कितना 25, मतलब ये हो जाएगा 5। इक्वेशन वन में डिवाइड कर दो, यहाँ लिख देना डिवाइडिंग बाई 5 इन इक्वेशन पर, सब में लिख रहे हैं आप लिख लेना, ठीक है ना। ये हो जाएगा 4x प्लस 3y अपॉन 5 और 9 अपॉन 5, चलो इसको सेपरेटली लिख लो 4x अपॉन 5 प्लस कितना 3y अपॉन 5 और 9 अपॉन 5, x को पहले लिख लो और 4 अपॉन 5 को बाद में, y को पहले लिख लो और 3 बाई 5 बाद में, ये रहा 9 अपॉन 5। तो cos अल्फा कितना 4 अपॉन 5 और sin अल्फा कितना y का कोफिशियंट 3 बाई 5 और p का वैल्यू हो गया 9 अपॉन 5, यही आपके पास। इतना ही पर इक्वेशन को छोड़ देंगे, क्यों छोड़ेंगे इतना पर, क्योंकि सर sin cos अल्फा का मान 4 बट्टा 5 कभी नहीं होता है और साइन अल्फा का मान 3 बट्टा 5 कहीं एग्जैक्टली नहीं निकलता है, समझ में आया। और पी का वैल्यू 9 बाई 5 लिख करके छोड़ देना, कहानी खत्म इसका, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो आपका एक्सरसाइज 20 का जी खत्म हो गया, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई समझ में आ रहा होगा, और पढ़ाई समझ में आ रहा होगा ना तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर लो, और कैसा लग रहा है पढ़ा एक बार कमेंट्स करके बता दीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उसका भी कुछ भला हो जाए, वो भी पढ़ के आपके साथ साथ वो भी आगे बढ़े। नहीं, मजा तब आता है कि तुम और तुम्हारा दोस्त, हम और हमारा दोस्त साथ में अच्छा नंबर आए तब, नहीं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय, थैंक यू सो मच।